नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार की ओर से कौन कौन से बड़े कदम उठाए गए, कौन कौन से फैसले लिए गए और इसका क्या असर जो है व्यापक असर देखने को मिला है। पहली खबर है, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब, छीन लिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से पुलवामा में सीआरपीएफ पर किए गए आत्मघाती हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले केंद्र सरकार ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN का दर्जा छीन लिया है। आपको बता दें कि जिस देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जा दिया जाता है उसके साथ व्यापार करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को इस दर्जे से हटा दिया गया है। अगली खबर है, पुलवामा हमले से पूरे देश के व्यापार पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जिन चीजों का प्रमुखता से व्यापार होता है उसमें सीमेंट, चीनी, ऑर्गेनिक केमिकल, कॉटन, फिलामेंट, सब्जी, ड्राई फ्रूट, मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल, नमक, स्टोन शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान भारत से 1000 के करीब कमोडिटी का आयात करता है, जबकि भारत पाकिस्तान से 600 कमोडिटी आयात करता है। और अब इस हमले के बाद भारत के कारोबारियों का मानना है कि वे अब किसी भी प्रकार के व्यापारिक संबंध पाकिस्तान से नहीं रखेगी। अगली खबर है, चीन के लिए पाकिस्तान की मदद नहीं होगी आसान। जी हां दोस्तों, हमले में मारा गया आतंकी जैश ए मोहम्मद है और जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर है। ऐसे में चीन पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मदद नहीं कर पाएगा। विश्व के अन्य देशों की तरफ से भी चीन पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी। अगली खबर है, मोदी ने किया ऐलान, जंग कश्मीर में शुरू हुआ ग्राउंड एक्शन, 5 हिरासत में। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल हरकत में आ गए। शुक्रवार सुबह से ही सुरक्षा बलों की ओर से पुलवामा के आसपास के गांवों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय पुलिस ने अभी तक 5 युवकों को हिरासत में लिया है। इन युवकों को जम्मू कश्मीर के 2 गांवों से हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलवामा हमले के बाद घाटी में अभी भी सेना, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के काफिले की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। अगली खबर है, इस हमले के बाद 37 सीआरपीएफ जवानों की जाने चली गई। अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देशों ने कहा है कि वे इस मौके पर भारत के साथ हैं। उन्होंने इस घटना के बाद भारत के साथ खड़े रहने की बात भी कही। पुलवामा आतंकी हमले पर यूएन ने भी दुख जताया है। अगली खबर है, पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने जवानों को कार्रवाई करने की छूट दी है। पीएम मोदी बोले कि आतंकियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आज देश बहुत ही उत्तेजित और दुखी है। आप सभी की भावनाओं को मैं भलीभांति समझ पा रहा हूँ। हमारे जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है, उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों को आगे की कार्रवाई करने के लिए क्या समय होगा, क्या स्थान होगा और कैसा स्वरूप होगा, यह तय करने के लिए पूरी इजाजत दी जाएगी।